उन्होंने प्लेट में रख के दे दिया था मैच, हमसे वो मैच जीता ही नहीं गया वो। इन्हें थोड़े से पैसे जहाँ पे ज्यादा मिल जाएं, ये उससे पे टीम बिक जाती है। कितनी उम्मीदें लगाए, हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हर दफा हार देते हैं। जितनी गर्मी है इनके चाहिए बर्फ की रेडियां लगाए, गोले बेचे, मैच मुच खेला, इनके बस की बात नहीं रही। तो 6 बॉल पर ओवर रन थे, अगर इनसे ये नहीं बनते तो बंदा इनको जूते मारे और कुछ ना करे। ये खुद से हारे हैं क्योंकि हराना और चीज़ होता है और हारना और चीज़ होता है। तो अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग्स एंड रणनीति। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप T20 स्टार्ट हो चुके हैं। कल पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 6 रन से बुरे तरीके से शिकस्त दे दी। हमेशा की तरह हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, लेकिन हमेशा की तरह उस पर पानी भर जाता है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस बार पाकिस्तान में हमारे साथ ही ईद बनाने का इरादा है, तभी वो इस तरह खेल रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते वो क्या कहते हैं सवाले से। पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 57 रन कर लिए थे और अगले 10 ओवरों में 63 रन चाहिए थे, एक हमारा आउट था। समझ नहीं यही कि इनके साथ हुआ क्या है। और जो हमारा इफ्तिखार, जिनको हम चाचा इफ्तिखार कहते हैं और समझते हैं कि बड़ा परफॉर्मर है, मुझे नहीं समझ आती उसने पिछले 50 मैचों में कोई मैच जिताया हो। कल भी उसने 9 गेंदों पे 5 रन किए हैं। अगर वापस आती है टीम, इस्तकबाल करेंगे, प्यार से समझाएंगे? नहीं, इनको क्या इस्तकबाल करना है बेटे। बात यह है कि इनका इस्तकबाल किस बात से करें, जूतियों से करें? पैसा नहीं ले रहे, ये प्रोफेशनल हैं। वो अमेरिका के से कहते हैं कि हम वहाँ से कुछ सीख कर के तो सीख कर तो आएंगे। हर दफा ही सीख रहे हैं आप, कब तक सीखते रहेंगे? ये टीम मेरे ख्याल से ना, जिस तरह वो हिटलर ने किया था ना, ये सारी टीम को ज़ाया करके ना, तो गुल्ली डंडे की टीम बना लेनी चाहिए। वो कम अज़ कम इससे अच्छी होते हैं, वो कम अज़ कम कौम के लिए तो खेलेंगे ना। जो पेंडू देहाती लोग हैं वो कम अज़ कम कौम के लिए तो खेलेंगे, ये तो सिर्फ अपने घरों के लिए खेलते हैं। इन्हें थोड़े से पैसे जहाँ पे ज़्यादा मिल जाएं, ये उससे पे टीम बिक जाती है। विराट इज़ मैरिड, बट वो कितना हज़ार गुना बेहतर बाबर से खेल लेता है। तो जितनी मर्जी आप चांसेस दे देते, एट द एंड ये हमें ना उम्मीदी करती है भाई, ना उम्मीदी है। और सर रात को बैठी थी मैच देख, इतना कोई इतना कि कल उम्मीद सबमिट कराना था और मैच देख रहे थे हम। घर वाले तो मेरे इंडिया के साथ बैठे हुए थे कि भाई पता है इंडिया ने जीतना है। आपने क्या कहा था, कौन जीतेगा? इंडिया। जब उम्मीदें नहीं थी तो जीतना कैसे था? कितनी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कितनी उम्मीदें लगाए, हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हर दफा हार देते हैं। चाचा इफ्तिखार, मैं 3-4 साल से इसको देखता हूँ, इसने एक मैच नहीं जिताया। हर मैच में ये ऐसे करते हैं, बाद में कहते हैं कि ये हमारा फिनिशर है, ये है वो है। ये मैच जिताऊँ ना हमको, फिर पता चलेगा कि ये मैच फिनिशर है। मुझे हमको भी देखना चाहिए ना, PSL तो नहीं है क्या? PSL में 6-6 36 मारो बस आप वायरल हो गया। ये तो नहीं है कि अकेले PSL खेलो, ये असल में PSL ना खेलो, ये तो खेलो ना, ये आवाम के लिए खेलो। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ख्वाजा सरा जो है ना, वो बड़ी स्ट्रेंथ में आजकल। तो ये जो बल्ला छीना गया है, पॉलिटिक्स में भी खान साहब से छीन लिया गया, क्रिकेट में थे, और क्रिकेट का सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और ख्वाजा सराओं का सियासत के साथ जो है वो ताल्लुक बनना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इनसे भी वो बल्ला छीन के तो ख्वाजा सराओं को पढ़ा दिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। शर्म आना चाहिए पाकिस्तान की टीम को भाई, बॉलरों से फिर भी 2 चौके लगा नसीम शाह से, बाकी किसी टीम के ना चौका लगा ना छक्का लगा, शर्म आना चाहिए। मैं आज के बाद मैच नहीं देखूंगा यकीन का। फखर ने ज्यादती की, वो शॉट इसको नहीं खेलना चाहिए था, फिर उस्मान ने जो शॉट खेला वो बेतुका शॉट था, नहीं खेलना चाहिए था। यहाँ आके आप शॉट खेल रहे हो जो आपको पता है कि लगेगी नहीं आपसे, आप क्यों खेल रहे हो? बॉल आ ही नहीं रही है। बाकी ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इतना बुरा नहीं खेला पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, हमने भी अच्छा खेला, उन्होंने भी अच्छा खेला, एक टीम ने तो जीतना था। बाबर आजम को भी चाहिए कि जो है ना बैट्समैनों को समझा के भेजे, और पीछे जो इतना बड़ा स्टाफ, हम लाखों रुपए इनको पे करते हैं, हमारे हर चीज़ में जा रहे हैं, PCB को हम इतना हर जगह पैसा जा रहा है, इतना पैसा लग रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? इनको चाहिए कि यार कम से कम क्रिकेट सही करें, खिलाड़ियों को कहें कि यार आप सही खेलो, ये 25 करोड़ आवाम आपको देख रही है, उनके दिलों पर पता नहीं क्या कुछ गुजर रही है, तो ये लोग क्या करते हैं यार? इनको चाहिए कि यार सही क्रिकेट खेलें, कोई मिडल ऑर्डर के अंदर बेहतरीन बैट्समैन लाएं। तो 6 बॉल पर ओवर रन थे, अगर इनसे ये नहीं बनते तो बंदा इनको जूते मारे और कुछ ना करे। इतना एक्सपेक्टेशंस थी, 22-24 करोड़ आवाम जो है वो कल से रो रही है, और इनके जो शाना खर्चे हैं वो ही नहीं ख़त्म होते। इनकी फैमिलीज जो हैं वो बाहर जा रही हैं, वो भी बोर्ड के पैसे से, इनकी जिंदगी अगर आप देखें, लेकिन इनसे 120 रन नहीं बनता, तो अब जूते ही मारनी चाहिए इनको। तो इससे अच्छा गली के बच्चे खेल लेते हैं। 120 का टारगेट है, 6 बॉलों पर 6 स्कोर चाहिए, तो उसमें कौन सा इतना मुश्किल काम है? जो आराम आराम से खेले, क्या जरूरत है इतनी शॉट लगाने की? आप आए आते साथ ही उठा के बाहर फेंकने शुरू कर दें, क्या को आग थोड़ी लगी हुई है? छोटा सा मैच है, जीत के फारिग करते हैं, 120 का क्या टारगेट होता है?
इससे बेहतर है किसी और को भेज दे, शायद मैच जीत जाते। इनको चाहिए रेडियां लगवा दें फुल्लों को, ये मैच मुच खेला इनके बर्फ की रेडी, बर्फ की रेडी लगाएं, गोले बेचें गर्मियों में, जितनी गर्मी है इनको चाहिए बर्फ की रेडियां लगाएं, गोले बेचें, मैच मुच खेला इनके बस की बात नहीं रही। लोग यूएसए के बड़ा खुश थे, इंजॉयमेंट उनकी जैसे कि तैयारी बिल्कुल उनकी कंप्लीट है, मैदान में खेलते हैं क्या होता है? मैदान में खेलते ही ये डरते हैं, या तो ये ब्लैकमेल हो गए हैं या डर गए हैं। पहली बारी में तो लग रहा था कि पाकिस्तान सही खेल रहा है, एफर्ट कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरी बारी आती है तो पाकिस्तान की कहते हैं कि पावर ही बैठ जाती है, कुछ पाकिस्तान से होता ही नहीं आगे। प्लेयर आपको लगा है कि एम ही फजूल में अंदर रख दी इसकी वजह से काम खराब हुआ है? हारिस रऊफ को हर दफा डाल लेते हैं, हालांकि वो कुछ कोई खास कारकर्दगी भी नहीं दिखाता और अक्सर मैच नीचे लगवा देते हैं आपका। हार जीत मुकद्दर में, लेकिन हार्ड वर्क तो कम से कम ये कर सकते थे ना, अब इनसे बैट्समैन से उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे करेंगे? 120 भी चेज नहीं कर पाएंगे तो फिर इनके अंदर और छोटी टीमों के अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा? 120 तो चेज होता था, अगर हर बॉल पर सिंगल करते तब भी बनता था। अब इफ्तिखार से बैटिंग नहीं हो रही ना, हमारे कोई बैट्समैन भी परफॉर्म नहीं कर रहा, अब ऐसे करेंगे तो वर्ल्ड कप तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। और वैसे भी इंडिया से कल पूरा मैच बना बनाया था, उन्होंने प्लेट में रख के दे दिया था मैच, हमसे वो मैच जीता ही नहीं गया, वो पूरा मैच बनता था। ये खुद से हारे हैं, क्योंकि हराना और चीज़ होता है और हारना और चीज़ होता है। तो अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ भी आ चुकी हैं, तो अब ये क्लब लेवल की क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इन पर इतना पैसा लगता है, इतना आवाम का ट्रैवल रिट्रैवल करते हैं, आवाम का पैसा लगता है, सब कुछ होता है। तो क्या इन्हें इस चीज़ का नहीं है बिल्कुल कि हमारे टैक्स के पैसों से ये सब कुछ करते हैं? और फिर कहते हैं जी जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो कोई प्यार भी उन नहीं है, प्यार उनसे होता है जो मेहनत करते हैं, जो सिंसियर होते हैं। आप हारे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लगना चाहिए यार हारे हैं। 120 स्कोर क्या होता है? 120 स्कोर कुछ भी नहीं होता, ये तो क्लब लेवल के लड़के या हमारे ग्राउंडों में खेल रहे होते हैं, वो टेप बॉल से खेल रहे होते हैं, वो 140 मार देते हैं, 150 या 60 मार देते हैं 6-6 ओवरों में। तो यार तुम इस लेवल के बंदे हो और तुम्हारे से 120 स्कोर नहीं हो रहा? इतना बॉलिंग अटैक आपका, इतना बैटिंग अटैक आपका, आपने ओपनिंग की और दो बंदे करके स्कोर पूरा आ जाते हैं और आपसे 120 स्कोर नहीं होता, थोड़ी को बहुत समझिएगा। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने लोगों से बात की, उनका तो यही कहना था कि हमेशा हम यही कहते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन बनी बनाई खीर आपके सामने आ गई है, फिर भी अगर आप ऐसे करें तो अब जीतो या हारो हमें आपसे कोई प्यार नहीं है। आपकी जो रेंज कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर आज किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए रनिंग।